नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सिविल एग्जीक्यूशन में। आज का दोस्तों वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाला है, जो कि बिल्कुल प्रैक्टिकल नॉलेज के ऊपर है। आपको भले ही ये ड्राइंग दिख रही होगी, लेकिन इसमें क्या बताने वाला हूँ दोस्तों और क्या आपको पता चलने वाला है आज के लिए इस वीडियो में, जो जानकारी मिलने वाली है बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होने वाली है। और जो खासकर फ्रेशर्स हैं या फिर जो अभी अभी ज्वाइन करना चाह रहे हैं किसी जॉब को, या कैंपस की प्रिपरेशन में लगे हैं, भले ही वो गवर्नमेंट का हो जॉब या फिर प्राइवेट जॉब हो, दोनों के लिए फायदेमंद होने वाली दोस्तों, कि हर एक जगह पे कहीं ना कहीं आप किसी भी प्रोजेक्ट में जाएंगे तो इस तरह के केसेस जरूर आते हैं कि राफ्ट होती है, टाई बीम होती है, और एक बिल्डिंग या फिर बिल्डिंग नहीं भी होता है तो अदर्स स्ट्रक्चर के लिए भी इस तरह की आजकल डिजाइन्स आती हैं कि राफ्ट को आपस में टाई कर दिया जाता है। और इनको कैसे करना है दोस्तों, प्रैक्टिकल जब आप आते हैं क्या क्या प्रॉब्लम आती है, इस वीडियो में यही बातें आपको पता चलने वाली हैं। और जरूर वीडियो यदि आपको पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूले दोस्तों, नहीं तो जो भी अपलोड की जाएगी वीडियो, एक जानकारी आपसे मिस हो जाएगी। तो देर ना करते हुए यहाँ स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहला पॉइंट है कि जब सपोज इतना बड़ा स्ट्रक्चर है कोई और राफ्ट इतनी सारी है, टाई बीम्स भी बहुत सारी हैं, जो कि रनिंग मीटर में यदि आप टाई निकालें तो कभी कभी तो 60 मीटर, 80 मीटर्स, कभी कभी 100 मीटर्स भी टाई बीम आपको कास्ट करनी पड़ती है, जो कि 100 मीटर्स। देखिए दोस्तों, सबसे बड़ी बात है कि प्रैक्टिकली यदि देखा जाए तो आप कर तो सकते हैं 100 मीटर एक साथ, लेकिन सारे राफ्ट को लेके एक साथ सारा टाई बीम करना ये पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो इसकी जगह पे कैसे करते हैं, कैसे स्टार्ट करते हैं, ये जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है आपको। अब यहाँ देख सकते हैं आपके जैसे ये पूरी ड्रॉइंग है, पूरी ड्रॉइंग में बहुत सारे राफ्ट है, कोई कंबाइंड है, कोई आइसोलेटेड है, दोनों तरह की इसमें फुटिंग्स है, सबको एक टाई बीम से कनेक्ट किया गया है। टाई बीम टिपिकल था दोस्तों, इस ड्राइंग में आप लोग देख चुके थे, TB1 था, जिसका साइज 400x500 mm था, ये आप लोग को ध्यान था दोस्तों। अब इसी को एक प्रैक्टिकल व्यू पे देखेंगे। पिक में आप देख सकते हैं कि जो डॉटेड ब्लू कलर का सर्कुलर मार्क है, बीम का रेनफोर्समेंट है और इसमें 8 नंबर एग्जाम्पल के तौर पर शो कर रखा है दोस्तों। बीम का साइज देखिए 400x500 लिखा हुआ है एज पर ड्रॉइंग के हिसाब से। अब इसमें देखिए कि डॉवेल्स को कैसे छोड़ा गया है, डॉवेल्स इसी हिसाब से छोड़े जाते हैं दोस्तों। ये जो लेंथ होती है ये प्रॉपर LD होती है, बट यहां गलत क्या है कि जब भी डॉवेल छोड़ी जाती है इस तरह की खासकर, तो डॉवेल्स में 1.3 LD का गैप होता है। ये दोस्तों ना हो तो आप देख सकते हैं हमारे एक लैप जॉइंट के वीडियो में, जिसमें पूरा फुल बताया गया है, सारी डॉवेल्स एंड हो रही हैं एक ही फेस पे, इसलिए ये गलत है दोस्तों। एक डॉवेल्स LD है तो सेकंड डॉवेल्स 2.3 LD होनी चाहिए दोस्तों, इसलिए ये डॉवेल्स का छोड़ने का प्रोसीडर गलत है। जब भी आप साइट पे जाएं तो डॉवेल जब भी छोड़े, भले किसी स्लैब का छोड़ना हो मजबूरन बस किसी स्लैब के जॉइंट से या फिर किसी कॉलम के जॉइंट से, तो आप LD और 2.3 LD दोनों की लेंथ का रेइंफोर्समेंट छोड़े। एग्जांपल के तौर पे यदि ये देखा जाए, जैसे मैं अभी आपको एक प्रेजेंटेशन बीम का दिखा रहा था, ये बीम के अंदर की पिक है दोस्तों। जैसे ये देखिए, ये रेड कलर जो दिख रहा है ये प्लाई है, और प्लाई के साइड से देखिए कैसे अंदर की पिक ली गई है। ये 3, 2, 5 रेइंफोर्समेंट दिख रही है आपको, टॉप की रेइंफोर्समेंट यहाँ पे दिखाई जा रही है। बीम का मैंने दिखाया था ब्लू कलर में, वो ये रेइंफोर्समेंट्स थी, जबकि इसमें स्टॉपर के लिए सबसे बड़ी बात है कि जब आप शटर लगाते हैं तो शटर आपको टेंजेंशियल लगाना पड़ता है दोस्तों। टेंजेंशियल इसलिए कि जहां कहीं भी आपने जॉइंट में पढ़ा है कंस्ट्रक्शन जॉइंट कैसे दिया जाता है, तो मैक्सिमम ये 45 के एंगल पे दिया जाता है, ये चीजें ध्यान रखिए। बहुत ही रेयर केस में कहीं कहीं प्रैक्टिकल वर्टिकल हो जाता है, जैसे इस स्लैब के जॉइंट में आप देख सकते हैं कि ये वर्टिकल हो गया है, तो इसको रफ करके फिर इसमें कॉन्क्रीट किया जाता है कि प्रॉपर जॉइंट सही बने। अब आपके मन में सवाल आएगा कि आखिर डॉवेल बार हम छोड़ते ही क्यों। सपोज इस स्ट्रक्चर का देख लीजिए, कितनी बड़ी राफ्ट है, लंबी चौड़ी है, हो सकता है कि आपके पास फुल अरेंजमेंट ना हो पाए तो कहीं यहां जॉइंट देना पड़े या फिर इस जगह टाई बीम को स्टॉप करना पड़े एक बार कंक्रीट करके, फिर इसी फॉर्मवर्क को आप सेकंड साइड यूज करते हुए फिर इस कंक्रीट को पूरा फुलफिल करें। इस कंडीशन में होता क्या है कि आप रेइंफोर्समेंट तो पूरी फुलफिल बांध देते हैं, इसमें फिर आपका डॉवेल्स का कोई इशू नहीं रहता है। डॉवेल्स का खासकर जैसे इसमें कोई स्लैब से या तो आपकी निकल रही है डॉवेल्स या वॉल से निकल रही है, उस समय कंडीशन रहता है कि डॉवेल्स जो हो वो अल्टरनेटिव हो, और बीम की कंडीशंस में ज़्यादा ये इशू नहीं आता है दोस्तों, क्योंकि एक ही बार में आप PCC कर देते हैं, फिर पूरी रेइंफोर्समेंट बांध के शटर लगाते हैं और कॉन्क्रीट कर। बट किसी किसी केस में जब हाफ करना रहता है तो आप ये याद रखिएगा, कोई भी यदि स्पैन होती है दोस्तों तो किसी भी स्पैन से L/3 पे कंक्रीट होता है, ये आप जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि L/3 ऐसा जोन होता है
कि जो सियर और ना बेंडिंग ये दोनों को रजिस्ट नहीं करता है, इस वजह से एल बाई थ्री पे ही ये ज्वाइंट दिए जाते हैं। अब आता है कि डॉवेल्स दे तो दिया आपने, सपोज आपकी मजबूरी हुई कि दो बार में आप कंक्रीट करेंगे या तीन बार में करेंगे, आपने डॉवेल्स छोड़ दिए। अब डॉवेल्स के बाद आपको क्या क्या करना है दोस्तों, कि जैसे देखिए जब आप डॉवेल्स की स्टॉपर लगा देते हैं, यानी यहाँ पे कोई तो शटरिंग लगाई गई होगी तभी तो ये कंक्रीट रुका है, अदरवाइज फिर ये जो डॉवेल्स निकले हुए हैं यहाँ से कंक्रीट परकुलेट हो जाती है और बाहर चली जाती। तो यहाँ आपको प्रॉपर एक शटर भी लगाना पड़ता है। शटर कैसे लगाते हैं दोस्तों, जैसे इस बीम में आप देख सकते हैं कि कभी कभी केसेस क्या होता है कि जब ज्यादा ही कंजेस्टेड होता है तो इसमें वर्टिकली बैटन्स लगा दिए जाते हैं या फिर कोई प्लाईवुड की शटरिंग लगा दी जाती है। लेकिन जब एरिया आपका क्लियर है जैसे, तो इसमें इस रेक्टेंगल टाइप का जैसा आपको स्टॉपर लगाना है उस टाइप का प्लाईवुड कट करके आपको लगाना पड़ता है। तो ये चीजें आप ध्यान रखिएगा दोस्तों। और ज्यादातर केसेस में क्या होता है कि जो रेनफोर्समेंट और बैलेंस शटरिंग के बीच में जो गैप आता है, जैसे इस बीच में गैप जो है इसको हैसन क्लॉथ से फिलफिल कर दिया जाता है, थोड़ा सा ग्रीस लगा के बाद में उस हैसन क्लॉथ को निकाल दिया जाता है। जैसे यहाँ आप देख सकते होंगे कि जब यहाँ पे शटर फिक्स की गई है तो इसके बीच में निश्चित है थोड़ा सा गैप रहा होगा शटर और रेनफोर्समेंट के बीच में, जो कि आपको बताया गया दोस्तों कि जब भी कंक्रीट पोर होती है तो उसमें जितना भी वाटर कंटेंट है वो बाहर नहीं निकलना चाहिए, इसके लिए सारे जॉइंट्स को सील करना पड़ता है। सील हैसन क्लॉथ प्लस ग्रीज से करते हैं दोस्तों, इसका भी वीडियो मैं एक बार लेके आऊंगा आपके सामने कि कैसे करते हैं। अब यहां देखते हैं डॉवेल्स की, चलिए मजबूरी आपने समझ ली कि ठीक है हमें छोड़ना पड़ा और कंक्रीट करनी पड़ी। कंक्रीट करने के बाद क्या होता है कि डॉवेल्स की शटर आपको निकालनी पड़ती है दोस्तों, जहां पे स्टॉपर होता है। निकालने के बाद ये देखिए छोटे छोटे आपको पॉइंट दिख रहे हैं, इसमें ये पॉइंट हैकिंग करने पड़ते हैं। हैक मींस किस लिए, कि जब आप कहीं भी शटर लगा देते हैं तो कंक्रीट सरफेस बिल्कुल प्लेन आता है, जैसा ये देखिए ये प्लेन एरिया बिल्कुल आपको दिख रहा है। तो ऐसी जगह पे यदि आप कंक्रीट करेंगे तो ये निश्चित है कुछ दिन बाद यहां पे हेयर क्रैक आ जाता है। तो यहां क्या करते हैं कि हैक करते हैं, पॉइंट देके कंक्रीट को रफ कर देते हैं कि जब दूसरी कंक्रीट हो तो यहां पे प्रॉपर बॉन्डिंग बने, या इसके लिए कभी-कभी एडहेसिव केमिकल का भी यूज किया जाता है जो कि इन दोनों में बॉन्डिंग करता है। अब जैसे कंक्रीटिंग के लिए देख लेते हैं दोस्तों कि जैसे यहां देख सकते हैं कि एक पर्सन कंक्रीट को कर रहा है, बट L by 3 पे लगभग आपको स्टॉप कर देना चाहिए, जैसे ये कंक्रीट दिख रही है आपको इस बीम के लिए, और L by 3 पे लगाने के बाद फिर आप नेक्स्ट डे या फिर अदर्स डे जब साइड शटरिंग पूरी खुल जाती है और सेकंड साइड की शटरिंग लग जाती है, जैसे ये देखिए इसमें शटरिंग लगी हुई है चारों तरफ की, तो उसके बाद आप इन सबको कंक्रीट से फुलफिल कर सकते हैं। तो कभी कभी ये बातें आपको ध्यान रखनी पड़ती है दोस्तों, क्योंकि आपके पास स्कोप जो है वो कभी कभी लिमिटेड हो जाते हैं रिसोर्सेज के साथ। अब रिसोर्सेज जैसे सपोज आपके पास 100 मीटर की टाई बीम थी, 100 मीटर रनिंग मीटर बता रहा हूं दोस्तों, क्रॉस सेक्शन नहीं है, और उसमें 50 मीटर का मटेरियल है आपके पास शटरिंग मटेरियल का, तब तो आप नहीं कर सकते, इसलिए 50-50 करके टू टाइम्स में करना पड़ेगा, जो कि ये मेथड है जैसा कि मैंने आपको बताया है। और सेम बीम में भी वही करते हैं दोस्तों, उसको रफ कर देते हैं या तो चिजल से या फिर किसी छेनी हथौड़ी से, और इस तरह से नेक्स्ट कंक्रीट करते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो में बने रहने के।